हेलो माय ब्यूटीफुल बडीज, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। ख्याल रख रहे मतलब ये नहीं होता है कि आप अपना स्किन एंड हेयर का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। ख्याल रखने का मतलब ये होता है कि आप अपना फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, एकदम खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पॉजिटिविटी के साथ ही अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे ये नवरात्रि। वैसे नवरात्रि तो चल रहा है, आज महासप्तमी है और कल जो है महाअष्टमी है और मेरा फास्टिंग है, पूजा चल रहा है घर में, सो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा वो टिंग टिंग साउंड को। अभी भी चल रहा है पूजा, थोड़ा सा बाकी है। तो नॉर्मली क्या होता है, महाअष्टमी के दिन मेरा फास्टिंग रहता है और सुबह मुझे नहाना होता है, सुबह सवार को ले लेना होता है, उसके बाद पूजा शुरू हो जाती है। और आज सप्तमी है और मुझे कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा कि सुबह जब मैं सवार लूँगी उससे पहले मैं पैक को रेडी करूँ, फिर अप्लाई करूँ, फिर 45 मिनट्स वेट करूँ, फिर सवार लूँ, एक भी डांट नीचे नहीं गिरने वाला है। इसलिए मैं सोची क्यों ना आज ही ये हेयर पैक रेडी करके रख दिया जाए। और जो लोग नवरात्रि करते हैं उन लोगों को पता होगा कि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं नवरात्रि में, ऑयल, ओनियन, गार्लिक और भी बहुत सारे चीज़ों का, जैसे खाली पानी नहीं पिया जा सकता, शरबत ही पीना होता है, किसी भी तरह का मतलब फ्रूट्स ऐड होना चाहिए पानी में भी, नॉर्मल पानी भी नहीं पी सकते हम लोग। एंड ये जो चीज़ें हैं माँ के लिए बहुत ही अमेजिंग चीज़ है नवरात्रि, एंड मैं पहली बार कर रही हूँ। आज 7th डे है एंड थोड़ा सा हेल्थ डाउन होने लगा है। आज का जो दिन है ना 7th डे है, मेरा जो एनर्जी है वो बिल्कुल डाउन है। एंड मैं सोची इसीलिए कि आज मैं मेरा हेयर मास्क रेडी कर दूंगी ताकि कल मुझे जब सुबह सुबह सवार लेना हो तो कोई भी इशू ना हो। ये मेरे हेयर का आज का टेक्सचर, 4 दिन पहले ही वॉश की थी अपनी हेयर को, वो हेयर पैक अप्लाई करके, एंड अभी तक मेरे हेयर में शाइन भी है, स्मूथनेस भी है एंड कोई किसी भी तरह का कोई मतलब क्या बोलते हैं फ्रिजीनेस नहीं है, एकदम स्मूथ शाइन एंड कंफर्टेबल है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं किचन में इसीलिए ऐसे घूम पा रही हूँ ना क्योंकि मेरे हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अगर एक भी हेयर किचन में मिल गया ना मेरी माँ को, एक भी डांट यहाँ नहीं जाएगा, सब डांट यहीं पे आके ढूम ढूम करके गिर देगा, ठीक है। क्यों अगर नहीं तो मैं क्लचर अप्लाई करती हूँ या बन बना लेती हूँ, क्योंकि स्टाइल करके घर में ऐसे ऐसे करके घूमने वाली एक मैं ही हूँ और मेरे दोनों भाई और कोई बहन तो है नहीं, बाकी मेरी मम्मी और मामा बन बना के रखते हैं तो उनका हेयर तो गिरेगा नहीं, तो मैं आज वही बनाने वाली हूँ। उसके लिए हमें चाहिए एलोवेरा जेल, ठीक है, यही वाला एलोवेरा जेल चाहिए। अगर आपके पास ये वाला एलोवेरा जेल नहीं है तो आप मार्केट से जो मिलता है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो एलोवेरा जेल है वो बहुत अच्छा है। इसको पहले वॉश कर लेते हैं, बहुत ज़रूरी है वॉश करना। मैं इसे आज अभी थोड़ी देर पहले ही मम्मी को बोल के लेकर आई थी तेल से धो के, मैं अभी वो अच्छे से इसका जो जेल है उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। एलोवेरा जेल जो होता है ना वो हमारी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, हेयर लॉस को प्रिवेंट करेगा एंड फ्रिजीनेस को ट्रीट करेगा, ग्लॉसी इफेक्ट आने में हेल्प करेगा, साइनस बनाएगा, मैनेजेबल बनाएगा, बहुत सारा काम करता है एलोवेरा जेल। एंड इस टाइप का जो एलोवेरा जेल होता है वो और भी अच्छे से काम करता है, क्योंकि ये मतलब जो पेड़ से तोड़ के लाते हैं ना हम लोग, वो बहुत अच्छे से काम करता है। आपको थोड़ा सा इसे टाइम लगेगा, इसको इस तरह रहता है ना, बहुत सुंदर रहता है। इसको आपको स्किन में ऐड कर सकते हो, हेयर में भी ऐड कर सकते हो, मल्टीपल यूजेस है इसका। एंड इसको अच्छे से आपको रिमूव करना है, इस तरह से आपको एलोवेरा जेल निकाल लेना है। अप्रोक्सीमेटली ये होगा 10-15 स्पून, ठीक है, आपको इस तरह निकाल लेना है। अगर छिलका थोड़ा थोड़ा सा रुक जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरी मम्मी खाना बना रही है आज और मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया गया है आज खाना बनाने से, क्योंकि मेरी फास्टिंग है, ये तो थोड़ा बहुत हेल्प करती हूँ लेकिन आज मैं कोई हेल्प नहीं की हूँ, मैं सिर्फ पूजा की और उसके बाद आके आप लोगों के साथ मिल रही हूँ। 2-4 दिन तक तो मैं अभी फ्री में ही हूँ, ज़्यादा काम नहीं करूँगी। ये देखिए
रिकॉर्ड बना के रखते हैं ये। और मैं जो हूँ इनका भी हेल्पफुल नहीं होता है, मेरी माँ का बहुत कम हेल्पफुल रहता है। मुझे कभी कभी लगता है जब तक मैं इनके उम्र में जाऊँगी शायद मेरा हेयर रुकेगा ही नहीं, सब मतलब निकल जाता है। जिस तरह के कंडीशन में मेरा हेयरफॉल हो रहा था, लेकिन अभी फिलहाल बिल्कुल बंद है, बिल्कुल भी हेयरफॉल नहीं है। ओके, तो मेरी मम्मी चली गई है। अब देखते हैं, आपको अप्रोक्सीमेटली इतना चाहिए एलोवेरा जेल, ठीक है? एलोवेरा जेल आपको लेना है। और ये जो ग्रीन ग्रीन अगर रह भी जाए ना, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये जब ब्लेंड होगा तो सारा जो छोटा छोटा पत्ता रुक गया है वो भी निकल जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए करौंजी। ये जो होता है ब्लैक सीड होता है, काला जीरा होता है, सब लोग इसे ये मैजिकली वर्क करता है हमारे हेयर के लिए। हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, हेयर लॉस को प्रिवेंट करेगा, प्री मैच्योर ग्रेइंग को भी बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, डैंड्रफ को ट्रीट करता है, हाँ ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा, जिसके वजह से हमारा हेयर ग्रोथ होगा। आपको इससे लेना है ब्यूटीफुल। देखिए पहली बात तो ये है कि मेरा मीडियम लेंथ का हेयर है, जिसके वजह से इतना में हो जाएगा। अगर आपका लेंथ ज़्यादा है हेयर का तो ग्रेजुअली हर चीज़ का क्वांटिटी बढ़ाते जाइएगा, तो फिर आपका भी हेयर कट रेडी हो जाएगा। ओके, इसको अच्छे से आपको ब्लेंड करना है, ठीक है? मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ ब्लेंड करने के बाद, क्योंकि आज अगर रेडी करके नहीं रखूँगी तो कल सुबह बहुत ठंड पड़ने वाली है। आपको ना ये थोड़ा सा दाना दाना कंसिस्टेंसी में रहेगा और ये अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाएगा सिर्फ एलोवेरा जेल में, ठीक है? इसमें आपको ऐड करना है 2 टीस्पून कर्ड, हमारी हेयर को स्मूथ बनाएगा। यहाँ पे आपको 2 टीस्पून भर के एकदम अच्छे से कर्ड लेना है एंड फिर से इसे ब्लेंड करना है। आपको ब्लेंड करना है, क्योंकि एक बार में ये ब्लेंड नहीं होगा। और कर्ड को मैं पहले आड़ इसीलिए नहीं की क्योंकि ज़्यादा पानी हो जाता तो वो जो हमारा कलौंजी होता है वो छोटा छोटा बीज होता है, राइट? वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाता, उसका जो प्रॉपर्टीज है वो एलोवेरा जेल के साथ मिक्सअप हो जाए, ठीक है? इसलिए मैं नेक्स्ट ऐड की हूँ कर्ड। कर्ड जो होता है हमारे हेयर के लिए बहुत ही अमेजिंगली वर्क करता है। ये हो गया हमारा हेयर पैक रेडी। ये कुछ वाटर कंसिस्टेंसी में रहेगा, ठीक है? ये थिक कंसिस्टेंसी में बिल्कुल भी नहीं रहेगा, वाटर कंसिस्टेंसी में रहेगा। और इसमें आपको हाथ में ना थोड़ा सा आपको दाना दाना लगे, एकदम छोटा छोटा वाला दाना, और बिल्कुल भी आपको प्लेन पेस्ट नहीं मिलेगा। सो उसके लिए आपको ओरियड होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें पूरा का पूरा प्लेन पेस्ट चाहिए, मतलब हेयर मास्क वैसा नहीं है। ये थोड़ा सा वाटर कंसिस्टेंसी में रहेगा। ये हेयर मास्क को मैं स्टोर कर दूंगी कल के लिए। कल मैं सुबह सुबह सवार लेने वाली हूँ तो फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। गुड मॉर्निंग बॉडीज, तो मैं आज अष्टमी के दिन डायरेक्ट आप लोगों से मिल रही हूँ। और सुबह से एक घुट भी पानी अंदर नहीं गया है। और मेरी एक बुरी आदत है कि मैं सुबह सुबह उठती हूँ ना तो मुझे कुछ चाहिए होता है, जस्ट लाइक चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी, कुछ भी होने से चलेगा, लेकिन चाहिए होता है, एक सर दर्द हो जाता है। नहीं तो हेयर पैक बना ली थी और मैं इसमें स्टोर कर दी थी, तो मैं आज इसे अप्लाई करूँगी एंड 45 मिनट के बाद अपने हेयर को वॉश कर लूँगी। ज़्यादा वक्त नहीं रखूँगी क्योंकि पता नहीं ठंडा ठंडा जैसे कोल्ड फीवर टाइप का तबीयत लग रहा है और मोच आ गया है यहाँ पे। मुझे ऐसे ऐसे करने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, एक्सेस तकलीफ़ हो रही है। सुबह सुबह माँ भाई ने क्या बोलते हैं उसको, आई थिंक भोलिनी का स्प्रे डाले और फिर अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और 2 दिन देखते हैं कैसे गुजरता है। हालत बहुत ख़राब हो रहा है धीरे धीरे क्योंकि 9 दिन का व्रत रहता है। और मैं इसे अभी अप्लाई करूँगी एंड 30 to 45 मिनट्स के अंदर इसे वॉश करूँगी। इसके अंदर मेरा वॉइस ओवर भी है, जो लुक ऑलरेडी आ गया है वो अगर आप नहीं देखे हो तो जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। ये बहुत ही वाटर कंसिस्टेंसी में है तो मैं इसे धीरे धीरे अप्लाई करूँगी। ओ ज़ालिमा, ओ ज़ालिमा।
तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना ओ ज़ालिमा, ओ ज़ालिमा। जिए तू जिए कैसे बिन आपके, मेरे यार ऐसे है बहुत ही स्मूथ सिल्की एंड स्टाइल में बन चुका है। और सच बोलूँ यो, मैं इसी वजह से विदाउट एनी हेल्थ पैक, विदाउट एनी ऑयलिंग मैं हेयर वॉश नहीं करती हूँ। DIY से इसीलिए इतना प्यार है मुझे कि मैं नहीं बता सकती हूँ कितना प्यार है। मैं आपको बोल रही इसमें मेरा हेयर लाइन लॉस हो रहा था। और आप अगर मेरी वीडियोज जाके 3 मंथ पहले या 4 मंथ पहले आप देखोगे ना मेरे हेयर का कंडीशन, आपको बहुत ही अजीब लगेगा। बहुत ही फ्रिजी हेयर था मेरा और बहुत पतला था, मतलब इतना पतला हो गया था मेरा हेयर, बस इतना सही था। मैं बन नहीं बना पाती थी, मेरा हेयर इतना सही था, ठीक है। और मुझे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन अभी मेरा हेयर का जो कंडीशन है वो बहुत अच्छा है। और मेरे हेयर लाइन में नया हेयर भी आने लगा है एंड मैं सच में बहुत खुश हूँ। इसीलिए आप लोगों के साथ कंटिन्यूसली हेयर मास्क शेयर करती हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है मुझे अगर रिजल्ट मिल रहा है तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि 100% लोगों को रिजल्ट मिलेगा, लेकिन हाँ कुछ लोगों को तो मिलेगा ना। कुछ की बहुत सारे DIY इसमें शेयर कर लेती हूँ इसीलिए, ताकि आप लोग जो एक केमिकल के चक्कर में पड़े हुए हैं ना उससे थोड़ा सा बाहर निकले। और मैं डिसाइड की हूँ आज के बाद, मतलब नवरात्रि के बाद भी मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही कंटेंट शेयर करूँगी। आप लोगों को कैसा लगेगा आप लोग मुझे बताना, ठीक है, क्योंकि आप लोग हो, व्यूअर्स आप हो, तो आपका चॉइसेस मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं सोची हूँ कि बहुत ही सिंपल हेयर मास्क रेमेडी लेके आऊँ खुद के लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि छुट्टियाँ ख़त्म हो गया है मेरी जान, उसके बाद तो आग लगने वाली है। और आज जो हेयर पैक मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, आप यकीन कीजिए मेरा, आपको बनाने में 10 मिनट एंड लगाने के बाद 45 मिनट, हेयर वॉश के बाद आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा एक ही बार में, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी 1 वीक 2 वीक यूज़ कीजिए उसके बाद देखिए, हेयरफॉल अगर बढ़ रहा है तो उसे बंद कर दीजिए, वो DIY आपके लिए नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं बोलूँगी आज। मैं सिर्फ इतना बोलूँगी आपको ये हेयर पैक अप्लाई करना है, बनाने के लिए 5 से 10 मिनट, यूज़ करने के बाद 45 मिनट, हेयर वॉश के बाद आपको भी एकदम स्मूथ सिल्की एंड शाइन हेयर मिलेगा, मैनेजेबल हेयर मिलेगा। आज मुझे इतना हेयर फॉल हुआ है, आज मैं आपको सीक्रेट बताऊँ, ये होता है हेयर फॉल, ठीक है। मुझे बताए साई, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस टाइप का हेयर का जो टेक्सचर होता है, कंडीशंस होता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, तो ये था आज का जो हेयर का टेक्सचर है। मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और ये पैक तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तब बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।